क्या आपने कभी ऐसे बंदर देखे हो जो कि दिखने में पूरा पूरा आपके उंगली जैसा होती है और आप उसको अपने उंगली में भी पकड़ सकते हो, और ये दिखने में इतने ज्यादा क्यूट दिखते हैं कि जिस जो लोग भी उसको देखते हैं वो अपने हाथ में उसको पकड़ने के लिए बहुत ज्यादा इच्छुक हो जाते हैं। क्या आपने कभी ऐसे चमगादड़ देखे हैं जो कि दिखने में पूरा पूरा व्हाइट होते हैं और इतना ज़्यादा क्यूट होते हैं कि जब आप उसको देख लेते हो तो आप उसको पालने का मन कर जाए। हाँ दोस्तों, और ये आपका कोई भी क्षति नहीं पहुँचाएंगे, ये अपने घर में बहुत ही अच्छे से रहेंगे। ये व्हाइट कलर को होने की वजह से उसको बहुत सारे लोग पसंद करते हैं। क्या आपने कभी ऐसे तरीके का लोमड़ी देखे हैं जो कि दिखने में पूरा पूरा एक कोत्ता जैसा होती है, मगर ये आपका बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखती है, ये बहुत ज़्यादा नटखट होती है। इसको आप अपने घर में पाल सकते हैं पेट की तरह, और ये दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर होते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं। और अभी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इस तरीके का जीव का नाम आपको मालूम है नहीं होगा। ये उड़ भी सकते हैं, आपके साथ रह भी सकते हैं, चल भी सकते हैं। उसका नाम क्या है नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो चलते हैं बिना दिक्कत के आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम आपको 10 ऐसे एनिमल के बारे में बताने वाले हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा क्यूट हो सकते हैं और आप उसको अपने घर में पाल सकते हो। बेबी स्लॉथ, हाँ दोस्तों, आप इस जानवर को देख सकते हैं। ये जानवर स्लो चलने के वजह से बहुत ज़्यादा फेमस है। ये इंसानों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, ये बहुत ज़्यादा स्लो होते हैं, इसी वजह से उसको बहुत सारे सेलिब्रिटीज अपने घर में पालने के लिए पसंद करते हैं, जैसे कि क्रिस्टन बेल के जैसे सेलिब्रिटीज भी उसको पाल रहे हैं। आप उनको सोशल मीडिया हैंडल में जाकर के देखोगे तो उसका बहुत सारे वीडियोस एंड फोटोज अपलोड हुई होगी। हाँ दोस्तों, ये जानवर बहुत ही अच्छा जानवर है। ये पत्ते खाने वाले हैं और कीड़ा वकड़ा खाने वाले हैं, इसलिए आप उसको पत्ते देकर के भी पालते हो तो उसको बहुत ही अच्छे से पालन हो सकता है। मगर तो एक ही दिक्कत होती है, ये खुला जगह में पालने के लिए होता है। ये खुला जगह में घूमने के लिए बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और खुला पेड़ों में से घूमने के लिए बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। बेबी स्नोक, हाँ दोस्तों, आप इस जानवर को देख सकते हैं। ये जानवर कितना अच्छा दिखता है, कितना क्यूट दिखता है, और ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है, इसलिए उसके ऊपर के जो काले धागे के साथ व्हाइट धागा पड़े है उसको वो बहुत ही ज़्यादा बेहतर बनाती है। और ये दिखने में बहुत ही अच्छा सुंदर दिखती है और ये इंसानों के प्रति बहुत ही अच्छा बिहेव करती है। ये बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन भी रहता है और उसको आप आसानी से पाल सकते हो। ये जब खुश हो जाते हैं तो आपके इंसानों के साथ बहुत ही अच्छे से मिल जाती है, मगर आप उसको गुस्सा दिलाओगे तो ये आपके ऊपर एक बदबूदार स्प्रे करेगा। मगर आप उसको पालने से पहले उस ग्रंथि को हटा देते हो तो आपको कोई भी परेशान नहीं होगा। और ये जो बड़े हो जाती है और उसके साथ ही साथ उसका बाल भी बड़े होती है। ये जो आप देख रहे हो उसके ऊपर का बाल कितना अच्छा सुंदर दिख रहा है, इसी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। आप उसको चाहते हो तो आप उसको पाल सकते हो। बेबी फेनिक फॉक्स, हाँ दोस्तों, आप इस फॉक्स को देख सकते हैं। इसका आकार बहुत ही छोटे होते हैं, ये वजन में भी 700 ग्राम से 1 केजी तक होती है, इसलिए उसको जहाँ पर भी लेना है लेने में बहुत ज़्यादा आसान होती है। ये सहारा मरुभूमि में और बहुत सारे ऐसे देश में दिखाई देती है, और आप उसको चाहते हो तो पालने के लिए अपने घर में ला करके पाल सकते हो। ये दिखने में जितने अच्छा सुंदर दिखते हैं उनका बिहेवियर भी उतना अच्छा होती है। ये इंसान को ज़्यादातर टाइम काटते नहीं है, ये इंसान के पास रहते हैं और ये दिखने में बहुत ही सुंदर होते हैं, इसलिए क्योंकि उनका आँख आप देख सकते हो। उनका आँख इतना बड़ा कि जो भी कोई उनका आंखों में देखेगा उसको अपने पास बुलाने की कोशिश जरूर करेगा। हाँ दोस्तों, और ये बहुत ज़्यादा तेज होते हैं, ये दौड़ खेल करने वाले प्राणी होते हैं, इसलिए उसको एक बड़ा प्लेस चाहिए होता है आपके घर के अंदर जहाँ पे वो खेल कूद सके। दो शुगर ग्लाइडर, हाँ दोस्तों, आप इस प्राणी को देख सकते हैं। ये दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर होती है और उसके अंदर एक खास बात होती है जो कि कुछ टाइम तक उड़ सकता है, जो कि मैं पहले आपको बात कर चुका हूँ वीडियो की शुरुआत में। और दोस्तों, ये दिखने में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखते हैं, इसलिए क्योंकि उनका आँखों में आप देख सकते हो, उनका जो काला काला आँखें होते हैं और उसके बाद उनका जो कलर होती है वो पूरा का पूरा व्हाइट होती है। आपको तो पता होगा व्हाइट कलर कितना अच्छा लगती है, और उनका बाल बहुत ही ज़्यादा होती है शरीर के ऊपर, और ये इतना अच्छा होती है, और उनको पालने के लिए कोई भी दिक्कत भरा चीज़ नहीं होती है, क्योंकि ये जो प्राणी होती है ये सिर्फ फ्रूट खाते हैं और आपको फ्रूट खाने या देने में कोई भी दिक्कत नहीं हो सकती है, और ये इंसान को थोड़ा सा भी चोट नहीं पहुँचाते हैं और ये इंसान के साथ बहुत ज़्यादा घुल मिल सकते हैं। जैसे कि आप इस वीडियो के अंदर देख सकते हो इंसान के पास कैसे हाथ बढ़ाने से इंसान के ऊपर कूद जाते हैं, इंसान के पास रहते हैं, और आपको उसको रखने के लिए एक पिंजरे का भी ला सकते हो, नहीं तो आपके साथ घर में रख सकते हो, मगर आपको उसको बिल्लियों से बचा के रखना चाहिए। और दोस्तों, आप उसको पालना चाहते हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। हंडर्न व्हाइट बैट, हाँ दोस्तों, जिसको आप यहाँ पर देख सकते हो, ये दिखने में एक कॉर्क बॉल जैसी होती है, पूरा का पूरा गोल होती है, गोल मोटल होती है, और उसका आप देखने में आपको छूने का मन जरूर करेगा, आपको थोड़ा सा भी डर नहीं लगेगा। मगर दोस्तों, ये इतना ज़्यादा सुंदर है कि अभी उसको अपने घर में लोग पाल रहे हैं। और दोस्तों, उसको दिखने में बहुत ही सुंदर दिखते हैं, इसलिए क्योंकि उसका जो व्हाइट कलर का होती है वो बहुत ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करते हैं अपने पास, और उसको आप पकड़ते हो ये बहुत ही ज़्यादा मुलायम लगती है, तो इसी वजह से उसको बहुत सारे लोग भी उसको पाल रहे हैं, और आप उसको
पालना चाहते हो तो अपने घर में ला करके उसको पाल सकते हो। मगर दोस्तों उनका जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा घट रहा है, क्योंकि ये जंगल में रहने की वजह से उसको बहुत ज़्यादा पर्वतियाँ खा रहे हैं। और आप उसको पर्वतियाँ खाने से बचाना चाहते हो और आप उसको ला करके पाल सकते हो। हाँ दोस्तों, उसका प्राइस बहुत ही कम होती है, आप उसको कहीं भी जंगल में भी पाते हो तो ला करके रख सकते हो, नहीं तो आप खरीदने जाते हो तो मार्केट में आप ढूंढ सकते हो और आप उसको खरीद सकते हो। और दोस्तों सबसे बड़ी बात ये होती है कि उसको खाने के लिए सिर्फ पत्ता चाहिए होती है, ग्रीन ग्रास चाहिए होती है, और उनको कुछ नहीं खाना चाहिए होती है, और उसको खा करके उनको न्यूट्रिशन मिलता है, जिसकी वजह से ये इतना ज़्यादा सुंदर दिख पाते हैं। दूसरे नंबर पर आता है पाइथन। हाँ दोस्तों, आप उसको देख सकते हो, जो कोई भी पाइथन को दिखता है उसके अंदर झाल निकल जाते हैं। मगर दोस्तों कुछ ऐसे देश भी है जहाँ पर पाइथन को पाला जाता है, जैसे कि आपने बहुत सारे इंटरनेट पर वायरल हुई वीडियो को देख सकते हैं। और दोस्तों इसको आप देख सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा सुंदर दिखती है, ये बहुत ज़्यादा कूल ब्लडेड होती है, इसलिए उनको पालने के लिए आपको गर्मी जाकर की जरूरत होती है। और आप उसको बहुत सारे प्रजाति में मिल जाएगा, जो कि ये पाइथन होती है वो इंसानों को बहुत ज़्यादा चोट नहीं पहुँचाते हैं, आप उसको परेशान करो तो आप उस वो आपको निगल भी सकता है। ना दोस्तों, मजाक कर रहा हूँ, ये ज़्यादातर लोगों को कुछ भी चोट नहीं पहुँचाते हैं, ये दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर दिखते हैं। और उनका बहुत सारे कलर में, येलो कलर, व्हाइट कलर, ग्रीन कलर, रेड कलर, बहुत सारे कलर में आपको मिल जाएगा। मगर उनका जो प्राइस होती है वो बहुत ही बड़ा होती है, 5 से 10 लाख तक देकर आप उसको पाल सकते हैं। और दोस्तों अभी जिसके बारे में मैं बताने वाला हूँ उसको देखने के बाद आपका पसीना छूट जाएगा और आप डर के भाग जाओगे, क्योंकि अभी मैं दिखाने वाला हूँ बेबी टाइगर। हाँ दोस्तों, टाइगर के बारे में कौन नहीं सोचता है, टाइगर एक जंगल का राजा होती है, वो आपको बहुत ही ज़्यादा खतरा पहुँचा सकती है। मगर दोस्तों ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो कि टाइगर को ला करके पालते हैं, उसको मेंटेन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा पैसा खर्चे होती है, इसलिए उसको बहुत बड़े बड़े अमीर अमीर लोग, सेलिब्रिटीज उसको पालते हैं। इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा फेमस भी है टाइगर का बेबी को पालने के लिए। ये जैसे कि वो एक दिन में 36 kg चिकन खा सकती है, मीट खा सकती है, और आप उसको इतना खाना दे सकते हो तो आप उसको पाल सकते हो। और आपको उसको पालने के लिए एक अच्छा ट्रेनर की जरूरत भी होती है, नहीं तो आपके ऊपर, जान के ऊपर बहुत ज़्यादा खतरा हो सकती है। और आप उसको चाहते हो तो कौन कौन लोग चाहते हैं टाइगर के बेबी को पालने के लिए, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। हाँ दोस्तों, अभी जिस जानवर को मैं आपको दिखाने वाला हूँ उसको देखने के बाद आपका सारे टेंशन फ्री हो जाएंगे, क्योंकि ये इतना ज़्यादा क्यूट होते हैं कि आप उसको पास जाते हो, उसको पकड़ लेते हो, आपको बहुत ही अच्छा लगती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मुलायम होती है। उसके ऊपर का जो रूम होता है, उसके ऊपर का जो बाल होती है, वो बहुत ही अच्छा लगता है, जैसे कि रेशम जैसा लगती है, और उनको बहुत दिखने में बहुत ज़्यादा क्यूट लगते हैं। उसका नाम है बेबी लामा। हाँ दोस्तों, उसका नाम है बेबी लामा, और आप उसको घर में पाल सकते हो। उसको पहले के दिन जमाने में उसको भुज बहाने के लिए पालते थे, जैसे कि आपका बहुत सारे सामान हो गया उसको बहाने के लिए पालते थे। आपको भी सोच सकते इतने सारे था क्यूट प्राणी को ऐसे काम के लिए पाल रहे होंगे लोग। मगर दोस्तों कुछ दिन के बाद ही उसको पालने के लिए लगे बहुत ही लोग घर में रखकर उसको पालने के लिए रखते हैं, और उसके पास से दूध निकलता है जो कि बहुत ही अच्छा लगता है, और बहुत ही लोग उसको पीने में भी पसंद करते हैं। ये जानवर बहुत ही अच्छा दिखने में लगती है, और ये इंसानों के साथ बहुत ज़्यादा घुल मिल सकते हैं, इसलिए उसको बहुत सारे लोग भी पाले, आपके बेडरूम में भी रख सकते हैं। और आप देख सकते हैं ये कितना ज़्यादा क्यूट लग रही है, मैं तो उसको जरूर अपने घर में ले करके पालूंगा। आप पालना चाहते हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। फिंगर मंकी। हाँ दोस्तों, आप इस जानवर को देख सकते हैं, ये दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर होती है, और उसको अट्रैक्ट करने वाला इसका चीज़ ये होती है कि ये बहुत ही छोटी होती है, और दोस्तों ये इंसानों के ऊपर अटैक नहीं करते हैं, ये बहुत ज़्यादा शांत स्वभाव के होते हैं, जैसे कि अलग मंकी जैसा ये आपको काट लगा ऐसा वगैरह कुछ भी नहीं करेगा। ये अपना फिंगर के अंदर फिट हो सकती है और आपके पैकेट के अंदर फिट हो सकती है, इसकी वजह से उसको पैकेट मंकी भी बोला जाती है। और उसको पालना बहुत ज़्यादा आसान होती है, क्योंकि ये फल फ्रूट से खाते हैं, और उनका बहुत ज़्यादा पसंदीदा फ्रूट का नाम है एप्पल एंड बनाना। आप उसको एप्पल बनाना दे दो तो ये आपके पूरा साथ मिल जाएंगे, आप उसको दोस्त ऐसा मान सकते हैं, इसलिए उसको बहुत ज़्यादा लोग पाल रहे हैं। मगर आप उसको कीमत सुनेंगे तो आपका दिमाग घूम जाएगा, क्योंकि उसका एक जोड़ा का कीमत है 5 लाख रुपया। हाँ दोस्तों, 5 लाख रुपया, आपके पास इतना पैसा है तो आप उसको ला करके अपने घर के अंदर पाल सकते हो। एंड में जिसके बारे में मैं बताने वाला हूँ उसका नाम है बेबी तमांडुआ। हाँ दोस्तों, आप इस प्राणी को देख सकते हैं, ये दिखने में बहुत ही अच्छा दिखता है और ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखती है। मगर दोस्तों उसके बारे में बहुत सारे चीज़ आपको पता नहीं होगा, क्योंकि ये दोस्तों उनका अंदर जो मुँह के अंदर दांत नहीं होती है, ये बहुत ज़्यादा पका हुआ खाना खाते हैं, ये बहुत ही फ्रूट का पसंद करते हैं, इसलिए आपको उसको पालने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए एक बहुत अच्छा परिवेश चाहिए होती है। आप उसको हर दिन उसको घुमा कर लेना पड़ता है, और आप उसको नमकीन खाना भी खाना देना पड़ता है, और ये एक दिन में बहुत सारे फल खाते हैं, 5 से 10 kg का फल खा जाते हैं।
और उसको पालने के लिए बहुत सारे लोग इच्छुक है, इसलिए क्योंकि उसके ऊपर को आप देख सकते हो उसको दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर दिखते हैं। ये बहुत सारे कलर में मिल जाते हैं, येलो कलर, पिंक कलर और दोस्तों व्हाइट कलर में। आप उसको जितना ज़्यादा कलर में खरीदना चाहोगे उतना ज़्यादा पैसा आपको देना पड़ेगा। और ये दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर होती है, इसलिए बहुत सारे लोग उसको पालने के लिए इच्छाएँ रखते हैं। और दोस्तों आपको हमारा आज का वीडियो कैसी लगी, और उसका पार्ट 3 भी आने वाला है, और पार्ट 1 आपने नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगा, नहीं तो एंड स्क्रीन में आपको वीडियो मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हो। और आप ऐसे तरीके का वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बगल में जो घंटे का बटन उसको जरूर दबाना। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक जरूर करके जाना। बाय बाय, आप हमारे चैनल के साथ जुड़े जरूर रहना।